दोस्तों जितने भी प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स है, जैसे एक्सिस बैंक का मैग्नस क्रेडिट कार्ड हो गया, एक्सिस बैंक का एटलस क्रेडिट कार्ड हो गया, या अमेरिकन एक्सप्रेस का प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड हो गया, इस तरह के क्रेडिट कार्ड्स का अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो यही तरीका है कि आप इनके पॉइंट्स को एयर माइल्स प्रोग्राम में ट्रांसफर करके और फ्लाइट बुकिंग कराएं। बट दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि एयर माइल्स प्रोग्राम में पॉइंट्स को ट्रांसफर करके फ्लाइट बुकिंग कराने का जो तरीका है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हर किसी के समझ में नहीं आता है। इसी तरह से आप इन एयर माइल्स प्रोग्राम की जगह होटल प्रोग्राम्स में भी क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स को ट्रांसफर करके होटल बुकिंग कर सकते हैं। उस पर मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स को होटल के लॉयल्टी प्रोग्राम में ट्रांसफर करके आप होटल बुकिंग करा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में ये समझाऊंगा कि कैसे क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स को आप एयर माइल्स में कन्वर्ट करके फ्लाइट बुकिंग करा सकते हैं, और एक एग्जांपल के साथ मतलब एयर विस्तारा का जो क्लब विस्तारा प्रोग्राम है उसमें कैसे आप फ्लाइट टिकट के बुकिंग जो है वो कर सकते हैं एयर माइल्स को यूज करके, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और यही नहीं, वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे एयर माइल्स प्रोग्राम के नाम बताऊंगा जिसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स को ट्रांसफर करके जब फ्लाइट बुकिंग करते हैं तब आपको अपने क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स की एक अच्छी खासी वैल्यू जो है वो मिल जाती है। दोस्तों ये बहुत ही यूनिक वीडियो है और इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और रिसर्च लगता है, तो वीडियो आपको यूजफुल लगा तो प्लीज इसको लाइक कर लीजिए जिससे ये वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और चैनल भी ग्रो हो सके। दोस्तों वीडियो की शुरुआत बहुत ही बेसिक चीज से करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि ये एयर माइल्स क्या होते हैं। दोस्तों जितनी भी पॉपुलर एयरलाइंस होती हैं उनके कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं जो उन्होंने अपने कस्टमर्स के लिए बनाए होते हैं। तो जब भी कस्टमर इन एयरलाइंस की फ्लाइट लेता है तो फ्लाइट कंप्लीट करने के बाद जो है एयरलाइन जो है कुछ पॉइंट्स देती है उन कस्टमर्स को इन एयर माइल्स प्रोग्राम्स के अंदर, उन पॉइंट्स को एयर माइल बोला जाता है। एयर माइल इसलिए बोला जाता है दोस्तों कि उन पॉइंट्स को यूज करके कस्टमर भविष्य में उन्हीं एयरलाइंस की जो फ्लाइट्स हैं उनको बुक करने में डिस्काउंट पा सकता है। अब दोस्तों हर एयरलाइन का अपना एक अलग लॉयल्टी प्रोग्राम होता है, एयर माइल प्रोग्राम होता है, जैसे विस्तारा एयरलाइंस का क्लब विस्तारा प्रोग्राम है, एयर इंडिया का फ्लाइंग रिटर्न प्रोग्राम है, सिंगापुर एयरलाइंस का क्रिस्प फ्लायर प्रोग्राम है, इस तरह के अलग अलग प्रोग्राम रहते हैं। तो जिस एयरलाइन में आपको ट्रैवल करना है पहले आपको उसका एयर माइल प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली फ्री रहता है, ऑनलाइन आप करा सकते हैं, और इन एयर माइल प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको कोई एडवांस में फ्लाइट लेने की या फ्लाइट की बुकिंग कराने की जरूरत नहीं होती है उन एयरलाइंस की। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्लब विस्तारा में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली फ्री रहते हैं, उसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी होती है, जैसे नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, एड्रेस हो गया, आपका आईडी कार्ड नंबर हो गया, इस तरह की डिटेल्स डालनी होती है। और उस डिटेल को डालने के बाद जो है आपको एक अकाउंट क्रिएट कर दिया जाता है और एक यूनिक नंबर मिलता है जो आपका जो है आईडी नंबर होता है उस एयर माइल्स प्रोग्राम का। अब फ्यूचर में आप जब भी कभी उस एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं तब आपको वो नंबर जो है वो वहां पर अपडेट करना होता है। उससे जब भी आप फ्लाइट लेंगे तो फ्लाइट कंप्लीट करने के बाद जो फ्लाइट की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है एयर माइल्स जो है आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये तो एक तरीका हो गया कि उस फ्लाइट में जब आप ट्रैवल करते हैं तो उससे आपको एयर माइल्स मिलते हैं। इसके अलावा जो कुछ और तरीके भी है जिससे आप एयर माइल्स जो है वो अर्न कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है उसके लिए मैंने ये वीडियो भी बनाया है, वो ये है कि दोस्तों अगर आपके पास कुछ क्रेडिट कार्ड्स हैं जिनके टाइप्स हैं इन एयर माइल्स प्रोग्राम के साथ तो उन क्रेडिट कार्ड के जो पॉइंट्स हैं उनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एयर माइल्स में। जैसे एक्सिस बैंक का एटलस क्रेडिट कार्ड के कई सारे एयर माइल्स प्रोग्राम के साथ में टाइप है, सिमिलरली एक्सिस मैग्नस क्रेडिट कार्ड के लिए भी इनके कई सारे एयर माइल्स प्रोग्राम के साथ टाइप है। HDFC बैंक के भी रिगालिया कार्ड, रिगालिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड, डायनस ब्लैक क्रेडिट कार्ड, इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड, या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस का ट्रैवल प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, इन सबके भी एयर माइल्स प्रोग्राम के साथ में टाइप्स है, तो इनके जो पॉइंट्स हैं आप उनको एयर माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों समझते हैं कि इन एयर माइल्स को आप यूज कहाँ कर सकते हैं। पहला तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया कि इन एयर माइल्स को यूज करके फ्लाइट के जब टिकट बुक करते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाता है, और अगर आपके पास अच्छी मात्रा में अगर एयर माइल्स है तो आप पूरी के पूरी फ्लाइट का टिकट जो है सिर्फ इन एयर माइल्स के थ्रू बुक कर सकते हैं, आपको पे करने की जरूरत नहीं रहती है। और कई केसेस में फ्लाइट का पूरा टिकट का पेमेंट तो आप एयर माइल्स से कर सकते हैं बट टैक्सेस जो है आपको सिर्फ वो पे करने होते हैं। इसके अलावा कई एयर माइल्स प्रोग्राम जो है आपका फ्लाइंग का जो क्लास रहता है, जैसे आप इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको अपग्रेड करके प्रीमियम इकोनॉमी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या प्रीमियम इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको बिजनेस क्लास कर सकते हैं, और बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको फर्स्ट क्लास के टिकट में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने एयर माइल्स को यूज करके। तो इस तरह के कुछ यूसेज रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एयर माइल्स प्रोग्राम जो है वो आपको ये ऑप्शन भी देते हैं कि अगर आप उनके अगर फ्लाइट टिकट्स वगैरह बुक नहीं कर रहे हैं
तो उनके दूसरी एयरलाइंस के साथ में टाइप्स रहते हैं, उनमें उन पॉइंट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये भी एक इनका यूज केस हो जाता है। अब समझते हैं दोस्तों अवार्ड टिकट्स के बारे में कि ये अवार्ड टिकट्स जो है वो क्या होता है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी जब ये एयर माइल्स के थ्रू फ्लाइट बुकिंग कराते हैं उसमें काफी ज्यादा यूज होती है। दोस्तों जब भी कोई फ्लाइट आप देखते हैं, मान लो बॉम्बे से लेके और दिल्ली की फ्लाइट है एयर विस्तारा की, तो उसमें अगर 70 लोग ट्रैवल कर सकते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप 70 लोगों की टिकट जो है वो एयर माइल्स को यूज करके बुक कर सकते हैं। हर फ्लाइट में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टिकट जो होते हैं वही अवेलेबल होते हैं एयर माइल्स को यूज करके बुकिंग करने में, और उन टिकट्स को बोला जाता है अवार्ड टिकट। मतलब 70 लोगों की फ्लाइट में अगर एयर विस्तारा ने 10 टिकट्स ही रखे हैं जिनको एयर माइल्स को यूज करके बुक किया जा सकता है, तो उन 10 टिकट्स को जो है वो अवार्ड टिकट्स बोला जाता है, और बाकी के जो टिकट्स हैं जिनको सिर्फ पेमेंट करके मतलब पैसा दे के ही बुक किया जा सकता है उनको बोला जाता है रेवेन्यू टिकट। इसके अलावा दोस्तों कुछ एयर माइल्स प्रोग्राम में एक और टर्मिनोलॉजी भी यूज होती है, वो है प्रमोशनल अवार्ड टिकट्स। तो दोस्तों जैसा अगर बॉम्बे से लेकर दिल्ली का टिकट बुक करने में आपको 7000 एयर माइल्स की जरूरत होती है नॉर्मली, तो प्रमोशनल अवार्ड टिकट्स वो होते हैं जिसमें नॉर्मल जो एयर माइल्स की जरूरत होती है उससे काफी कम एयर माइल्स की जरूरत होती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर 7000 की जगह अगर आपको सिर्फ 5000 एयर माइल्स जो है वो जरूरत पड़ेगी बॉम्बे से दिल्ली का टिकट बुक कराने में, अगर वो टिकट जो है वो प्रमोशनल एयर टिकट है। अब दोस्तों किस फ्लाइट में कितने अवार्ड टिकट्स रहेंगे, कितने प्रमोशनल अवार्ड टिकट्स रहेंगे, ये पूरा एयरलाइन की इंटरनल पॉलिसी पर डिपेंड करता है, और वो जनरली उस पर डिपेंड करता है कि ये जो रूट है उस पर डिमांड सप्लाई कितनी है। अगर किसी पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर मंथ में जो है टिकट्स का जो डिमांड है वो कम है तो वहां पर आपको अवार्ड टिकट्स जो है वो ज्यादा देखने को मिलेंगे, और कुछ पर्टिकुलर डेट्स पर जहां पर बहुत ज्यादा डिमांड रहती है वहां पर हो सकता है कि आपको एक भी अवार्ड टिकट नहीं देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों ऐसा भी होता है कि आप किसी पर्टिकुलर डेट का टिकट बुक करना चाहते हैं लेट से मुंबई और दिल्ली के बीच में, तो हो सकता है उस फ्लाइट में एक भी अवार्ड टिकट ना हो, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। कई बार हो सकता है कि आपको 4 लोगों की टिकट बुक करने हैं बट सिर्फ 3 ही अवार्ड टिकट हो, ऐसे केस में आपको चौथा टिकट जो है वो पूरा पेमेंट करके जो है वो चुकाना होता है। अब आप सोचेंगे कि अवार्ड टिकट जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं, तो दोस्तों हर एयर माइल प्रोग्राम जो होता है उसमें आपको जाना है, अपना लॉगिन करना है यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल के, और उसके बाद जो है रिडीम अवार्ड या फिर अवार्ड टिकट बुकिंग का ऑप्शन आपको वहां पर नजर आएगा, या रिडीम एयर माइल्स का ऑप्शन नजर आएगा, या सिंपली एयर माइल बुकिंग का ऑप्शन जो है वो नजर आएगा। वहां पर जाइए, फ्लाइट का जो ओरिजिन है डेस्टिनेशन है वो डालिए, डेट्स डालिए, और वहां पर आपको फाइनल पेज पर नजर आएगा कि कितने पॉइंट्स को यूज करके जो आप टिकट बुक कर सकते हैं। कई एयर माइल्स प्रोग्राम ऐसे भी है जो आपको एक अलग से ऑप्शन देते हैं जहां पर आप ओरिजिन और डेस्टिनेशन डालकर ये देख सकते हैं कि कितने एयर माइल्स की जरूरत होती है जब उन दो ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच में किसी फ्लाइट को आप बुक करना चाहते हैं। तो एयर विस्तारा में ये ऑप्शन अवेलेबल है, आप उनकी वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको एयर माइल कैलकुलेटर का ऑप्शन नजर आएगा, वहां पर आप ओरिजिन डालिए कि कहां से आपकी फ्लाइट स्टार्ट होने वाली है, कहां पर एंड होने वाली है, तो वो आपको अप्रोक्सीमेटली बता देगा कि कितने एयर माइल्स की जरूरत है वो पड़ती है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो एयर माइल की रिक्वायरमेंट है ये काफी डायनामिक रहती है, अगर आपको एयर माइल कैलकुलेटर में दिखा रहा है कि 4000 एयर माइल्स की जरूरत होगी तो जरूरी नहीं है कि 4000 एयर माइल्स में आपको टिकट मिल जाए, कई बार उससे ज्यादा भी एयर माइल्स लग सकते हैं अगर उस पर्टिकुलर डेट को ज्यादा डिमांड है तो। अगला जो टर्मिनोलॉजी है दोस्तों वो है नॉमिनी। अब दोस्तों होता क्या है कि आप सोच रहे होंगे कि हम एयर माइल्स अगर मेरे पास है तो मैं किसी का भी टिकट बुक कर सकता हूं, ऐसा नहीं होता है। आपने अगर अपना अकाउंट खुला हुआ है, अपना एयर माइल प्रोग्राम का अकाउंट जो है वो लॉगिन किया हुआ है, तो आप अपना खुद का जो टिकट है वो बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो फैमिली मेंबर्स या और जो लोग हैं जिनके टिकट आप बुक कराना चाहते हैं उनको पहले आपको उस अकाउंट में ऐड करना होगा एज अ नॉमिनी। ये नॉमिनी को इंश्योरेंस या बैंक अकाउंट का नॉमिनी की तरह नहीं होता है, नॉमिनी का सिंपल मतलब है कि आप अपने अलावा ज्यादातर केसेस में और किन लोगों की टिकट जो है वो बुक कराते हैं। क्लब इस तरह की बात करें तो दोस्तों वो एक बार में 8 नॉमिनीज को ऐड करने की परमिशन देता है, मतलब मैं अपने क्लब इस तरह अकाउंट में खुद के अलावा 8 और लोगों को ऐड कर सकता हूं। और क्लब इस तरह में कंडीशन भी है कि दोस्तों अगर एक बार मैंने किसी को ऐड कर लिया तो अगले एक साल तक उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। अब दोस्तों जब भी आपको फ्लाइट टिकट बुक कराना है तो आपको अवार्ड टिकट्स या फिर एयर माइल्स को यूज करके फ्लाइट टिकट बुक कराने का जो ऑप्शन है वो वेबसाइट पर सर्च करना है उस एयरलाइंस की या फिर उस एयर माइल प्रोग्राम की, और वहां पर जाकर आपको जो ओरिजिन डेस्टिनेशन जैसे आप फ्लाइट बुक कराते हैं वैसे करना है, और आगे जाके आपको एक ऑप्शन में दिखाएगा कि इस फ्लाइट टिकट को बुक करने के लिए कितने एयर माइल्स की जरूरत होती है। अगर आपके पास ऑलरेडी वो एयर माइल्स पड़े हुए हैं तो एयर माइल्स को यूज करके आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। कई एयरलाइन जो पूरी फ्लाइट का जो पेमेंट है
वो एयर माइल के फॉर्म में करना अलाउ करती है इंक्लूडिंग टैक्सेस। कई एयरलाइंस होती है जो फ्लाइट का जो कॉस्ट है वो तो आपको एयर माइल के थ्रू बुक कराने देती है, बट जो टैक्सेस रहते हैं वो आपको खुद से अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से जो है पे करने होते हैं। अब दोस्तों कई बार ये भी होता है कि जब आपको कोई पर्टिकुलर फ्लाइट का टिकट जो है वो बुक कराना है बट आपके पास सफिशियंट एयर माइल्स नहीं है, लेट से कि आपको मुंबई से श्रीनगर के बीच में टिकट बुक कराना है क्लब विस्तारा को यूज करके, और वहां पर जो एयर माइल्स की रिक्वायरमेंट है वो पर टिकट 7000 एयर माइल्स की है, आपको तीन लोगों के टिकट बुक कराना है 21000 एयर माइल्स की जरूरत होती है, बट आपके पास 15000 एयर माइल्स ही है उससे ज्यादा नहीं है, तो बाकी के जो 6000 एयर माइल्स है दोस्तों उनको आप परचेज भी कर सकते हैं। कई एयर माइल प्रोग्राम जो है वो पॉइंट्स को परचेज करने का ऑप्शंस भी देते हैं, तो आप 6000 एयर माइल्स के लिए पेमेंट करके क्लब विस्तार से 6000 एयर माइल्स को परचेज कर सकते हैं, आपका टोटल 21000 एयर माइल्स हो जाते हैं और उनको यूज करके आप जो टिकट है वो बुक कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो परचेज करते हैं इस ऑप्शन में आपको एयर माइल्स हमेशा महंगे पड़ते हैं, बट ये ऑप्शन फिर क्यों दिया हुआ है दोस्तों? क्या होता है कि एक ऑप्शन तो ये होता है कि आप पूरा का पूरा टिकट एयर माइल से बुक करें, वहां पर आपको एयर माइल की वैल्यू सबसे ज्यादा मिलती है, बट दूसरा ऑप्शन एक ये भी होता है कि आप पार्ट पेमेंट जो है जितने आपके पास पॉइंट्स है एयर माइल से उनको यूज करके करें और बाकी जो है वो कैश पेमेंट दे के करें, तो उसमें एयर माइल की वैल्यू काफी कम होती है। तो अब जैसे आपका 21000 24000 का टिकट है और उसमें 15000 आपके पास एयर माइल से, तो अगर 15000 एयर माइल को यूज करेंगे और बाकी पेमेंट कैश से करेंगे या फिर क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो उस 15000 एयर माइल्स की वैल्यू जो है आपको बहुत कम मिलती है और कैश पेमेंट काफी ज्यादा करना पड़ सकता है। उससे बेटर ये है कि आप जो है पॉइंट्स को परचेज कर लें, उनको ऐड कर पूरा पेमेंट जो है वो एयर माइल्स की फॉर्म में करें, तो इससे एयर माइल की वैल्यू जो है एग्रीगेट लेवल पे आपको अच्छी मिल जाती है। जैसे स्क्रीन पर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है जहां पर मैंने मिक्स किया हुआ है, जहां पर कुछ पेमेंट जो है वो मैंने एयर माइल को यूज करके किया है, बाकी पेमेंट जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड से किया है, तो यहां पर मुझे एयर माइल की जो वैल्यू मिली वो सिर्फ 45 पैसा की मिली है, जबकि कई सारे रूट्स पर क्लब विस्तारा के एयर माइल्स की वैल्यू जो है वो 1 रुपया या उससे भी ज्यादा मिल जाती है। दोस्तों क्लब विस्तारा को कई लोग बहुत खराब प्रोग्राम मानते हैं, बट अगर आप उसको अच्छे से यूज करेंगे तो एयर माइल की वैल्यू 1 रुपये से भी ज्यादा की मिल सकती है। ये जरूर है कि जो कॉमनली यूज रूट्स है जैसे बॉम्बे दिल्ली का हो गया या मेट्रो सिटीज के बीच के रूट्स हो गए, वहां पर आपको पॉइंट्स की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं मिलती है, बट अगर आप ऐसी फ्लाइट लेते हैं जो किसी हिल स्टेशन पर जा रही है या ऐसे ऑफ बीट लोकेशन पर जा रही है या इंटरनेशनल लोकेशन पर जा रही है, तो वहां पर क्लब विस्तारा में भी आपको एयर माइल की अच्छी खासी वैल्यू जो है वो मिल जाती है। एक और बात याद रखिए दोस्तों, एडवांस में टिकट बुक कराने पर ज्यादा चांसेस है कि आपको अवार्ड फ्लाइट्स की अवेलेबिलिटी जो है वो अच्छी खासी मिल जाए, और अवार्ड फ्लाइट्स के लिए जो आपको एयर माइल्स यूज करने हैं उनका भी वैल्यू जो है अच्छा खासा आपको मिल जाए। अब कई लोग पूछते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स है क्या उनको एडवांस में किसी एयर माइल प्रोग्राम में ट्रांसफर कराना चाहिए? दोस्तों हमेशा ये एडवाइजेबल रहता है कि अगर आपके कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं ट्रैवल के, तो पहले आप ये चेक कर लें कि आपको कितने एयर माइल्स की जरूरत है, उसके हिसाब से ही जो है क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स को एयर माइल में कन्वर्ट कीजिए, नहीं तो कई बार क्या होता है कि एयर माइल प्रोग्राम का भी डीवैल्यूएशन हो जाता है, पॉइंट्स ऑलरेडी आपके पास जमा है तो उनका वैल्यू जो है वो कम हो जाता है। और दोस्तों क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स की तरह इन एयर माइल्स की भी एक वैलिडिटी होती है, क्लब विस्तारा की बात करें तो क्लब विस्तारा के जो एयर माइल्स है उनका वैलिडिटी 3 इयर्स का होता है, बट वहां पर आपको एक ऑप्शन ये भी मिलता है कि एक पेमेंट फी पे करके अगर आपके कोई एयर माइल्स एक्सपायर हो रहे हैं तो उनका वैलिडिटी 1 साल के लिए आप बढ़ा भी सकते हैं। अगला टॉपिक जो है दोस्तों वो है प्रमोशनल ट्रांसफर ऑफर। कई बार ये जो एयरलाइन एयर माइल्स प्रोग्राम्स होते हैं वो कस्टमर्स को ऑफर देते हैं कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स को एयर माइल प्रोग्राम में ट्रांसफर करते हैं तो नॉर्मली जो आपको रेशियो मिलता है कि 1 पॉइंट्स के अगेंस्ट में आपको कितने एयर माइल्स मिलेंगे उससे कई ज्यादा आपको एयर माइल जो है वो ऑफर करते हैं, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अगर आप किसी एयर माइल प्रोग्राम को अच्छा खासा यूज करते हैं, तो वहां पर इस तरह के प्रोग्राम के ड्यूरेशन के दौरान ट्रांसफर करके एक्स्ट्रा एयर माइल जो है वो पा सकते हैं। अब दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एयर माइल प्रोग्राम टू एयर माइल प्रोग्राम ट्रांसफर्स। बहुत सारे एयर माइल्स प्रोग्राम्स के आपस में भी टाइप्स रहते हैं कि आप एक एयरलाइंस के एयर माइल प्रोग्राम के पॉइंट्स को दूसरे एयरलाइन के एयर माइल प्रोग्राम में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। वहां पर यह देखना जो जरूरी है कि आप जो पॉइंट ट्रांसफर कर रहे हैं उसका रेशो क्या मिल रहा है, 1:1 मिल रहा है, 2:1 मिल रहा है, 3:1 मिल रहा है, क्योंकि इससे आपकी पॉइंट की वैल्यू जो है वो कम भी हो सकती है, कई बार अच्छी वैल्यू भी मिल सकती है, तो ये भी जानना काफी जरूरी हो जाता है। अब आते हैं वीडियो के लास्ट सेक्शन में जिसमें मैं आपको कुछ अच्छे एयर माइल्स प्रोग्राम्स के नाम बताने वाला हूँ जिसमें अच्छी वैल्यू जो है आपको अपने क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स की मिल सकती है। सबसे पहले तो मैं एयर विस्तार की बात करूंगा। वहां पर अगर आप ऑफ बीट लोकेशंस के बीच में फ्लाइट बुकिंग में एयर माइल्स को यूज करते हैं मेट्रो सिटीज को छोड़ के, तो वहां पर आपको एयर माइल की अच्छी खासी वैल्यू जो है वो मिल जाती है कि प्रोवाइडेड आपने सफिशियंटली एडवांस में टिकट्स को बुक कराया है। क्लब विस्तारा में अकाउंट बनाने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप उसकी साइट पर जाकर नेट पर सर्च करके भी अपना क्लब विस्तारा का अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं।
दूसरा जो प्रोग्राम है दोस्तों वो है क्रिस फ्लायर प्रोग्राम, जो सिंगापुर एयरलाइंस का है। अगर आपको सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस तरह की डायरेक्शन में जो भी कंट्रीज पड़ते हैं वहां पर आपका ट्रैवल प्रोग्राम है, तो वहां पर सिंगापुर एयरलाइंस अच्छा खासा ऑप्शन और वैल्यू जो है पॉइंट्स का दे देती है। इसके अलावा जापान एयरलाइंस का जो जल प्रोग्राम है वो भी अच्छा खासा वैल्यू दे देता है, अगर आप कोरिया या जापान में कोई ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं तो। वेस्टर्न साइड की बात करें तो दोस्तों टर्किश एयरलाइंस का जो एयर माइल प्रोग्राम है, माइल्स एंड मोर, वो भी एक अच्छा खासा वैल्यू दे देता है। हालांकि अभी उसमें कुछ डीवैल्यूएशन हो चुका है जिससे वैल्यू जो है पॉइंट्स की और एयर माइल्स की वो थोड़ी कम हो गई है, बट फिर भी एक अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि टर्किश एयरलाइंस जो है वो सारे यूरोपियन डेस्टिनेशन, जो भी की डेस्टिनेशन है, वहां की कनेक्टिविटी जो है इंडिया से दे देता है, तो वहां भी आप बुक कर सकते हैं। और यही नहीं, टर्किश एयरलाइंस में जो आप पॉइंट्स ट्रांसफर करते हैं उनके थ्रू अलायंस नेटवर्क जो है, जिसमें कई सारे पॉपुलर एयरलाइंस आते हैं जिसमें एयर इंडिया भी शामिल है, उनके टिकट्स भी आप टर्किश एयरलाइंस के जो पॉइंट्स हैं उनको यूज करके कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा खासा वैल्यू हो जाता है। अगला जो प्रोग्राम है जो आपको पॉइंट्स की अच्छी खासी वैल्यू दे सकता है वो है यूनाइटेड एयरलाइंस का यूनाइटेड माइलेज प्लस प्रोग्राम। वहां पर भी आपको अच्छी खासी वैल्यू मिल जाती है। अगर आपका यूएस में ट्रैवल करने का प्रोग्राम है तो वहां पर आप अपने पॉइंट्स को ट्रांसफर करके अच्छा वैल्यू पा सकते हैं और यूएस के लिए जो है अपनी टिकट्स की बुकिंग करा सकते हैं। एक और बात दोस्तों, इन पॉइंट्स को, एयर माइल्स को यूज करके आप जो फ्लाइट बुकिंग करते हैं वो सिर्फ उनकी वेबसाइट से एयर माइल प्रोग्राम्स की साइट पर जाकर ही नहीं बल्कि कस्टमर केयर पर कॉल करके भी करवा सकते हैं, वो ऑप्शन भी कई बार बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। सो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि ये एक ऐसा चीज है जिसको आप प्रैक्टिस से ही मास्टर कर सकते हैं। सिंपल प्रोग्राम जैसे एयर विस्तारा का प्रोग्राम है, इस तरह के प्रोग्राम्स आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्लाइट टिकट्स को बुक करना एयर माइल्स को यूज करके, और इसके बाद बाकी जो एयरलाइंस है और उनके जो प्रोग्राम्स हैं उनको भी आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहले उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए, उनकी साइट पे जाके देखिए कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या अवार्ड कैलकुलेटर्स हैं और क्या क्या वैल्यू वहां पर आपको मिल रहा है, उससे आपको काफी अच्छी खासी जानकारी जो है वो हो जाएगी। और एक बार ये अच्छे से आपको करना आ गया तो इन पॉइंट्स की आप बहुत ही बढ़िया वैल्यू जो है वो पा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।